सुजानपुर में अनुराधा बाली ने जब से अपना कार्यभार संभाला है तब से लेकर सुजानपुर वासियों की समस्याओं को निरंतर सुनना और उन पर तुरंत अमल करने का प्रयास शुरू कर दिया है। आज भी एक ऐसा ही मामला उनके ध्यान में आया है, देखते हैं क्या है ये मामला, क्या कहा सुजानपुर कमेटी की प्रधान अनुराधा बाली जी ने। सर मैं प्रेजिडेंट श्री गुरु नानकदास प्रबंधक कमेटी सुजानपुर म्यूनसिपल कमेटी के जो प्रधान अनुराधा बाली को अपनी समस्या लैके आए कि साढ़े जी एस सी धर्मशाला जी बनी है वह एक कमरा जोड़ा कि अज तो 50 साल तो पहले बनया हुआ और वह जो लेंटर मेरे ख्याल खस्ता हाल च आ चुके हैं तो अं उ फंक्शन जो कर रहे हैं बड़े डरते डरते कर रहे हैं कि कोई इनके ध्यान इस करके लिया कि कल कोई कैजुअलिटी ना हो जाए इनू प्लीज़ जहाँ तो नवा बनाया जाए रीकंस्ट्रक्ट कराया जाए तो जोड़ा कि साड़ी जी आने वाली जी है प्रॉब्लम का हल हो सके। दूसरा एक साढ़े स्कूल उत्थे चल रहा तो वो सारी मार्केट जी है सुजानपुर की जी है उत्थे पब्लिक टॉयलेट बनाने की उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि बाहरले पासे बनाया जाए क्योंकि स्कूल डिस्टर्बेंस होंगी है प्लस जो साढ़े को फंक्शन होंगे तो यह जी मार्केट के लोग उत्थे बाथरूम वगैरह कर लेंगे तो साढ़े धियां भैन उ फंक्शन चाहिए होंगे ने वो थोड़ा जहाँ तो ग्रेज़ किया जा सके उन्होंने थोड़ा बाहर टॉयलेट जो बनाया तो जाए सानू यह आश्वासन दिता कि जो बन सकता होगा मैं करा कि और टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट की जी गल है वो साढ़े को पहले ध्यान आ चुकी है तो आप बना देंगे बस और की गल प्रेम सागर की समस्या आ रही है सू समस्या आ रही है जी धर्मशाला है वो जी काफ़ी देर तो कि बनी हुई है पुरानी है काफ़ी तो वो हालत बहुत खस्ता है सानू यो डर है कोई वो कोई कैजुअलिटी नहीं हो जाए क्योंकि बारिशों का मौसम है कि हो सकता कि डिगनी पे कि अं ये प्रेजिडेंट साहब ने यो अर्ज की है कि ना कि साड़ी जी बिल्डिंग है उन्होंने ज्यादा रेनोवेट करो दो जनू कुछ ना कुछ करके दो ताकि कोई हल किया जाए उन्होंने किया भी कोई ना कोई जो भी बनती कार्रवाई अं करा पूरी कि ना इन करा ठीक ठाक बाकी बाथरूम की भी गल हुई है बाथरूम बस भी किया उन्होंने उ पूरी मार्केट जी उ जी है कि ना जी अच्छा नहीं लगता कि ना इस वास्ते उन्होंने बहर किया जाए कि उन्होंने किया ठीक है अं पहले साढ़े वो ध्यान से हैगी है तो वो अं कर गुरु नानकदास मंदिर के बीच दस वार्ड नंबर मैं नाभा दास सेवा समिति के जिन्हें भी मैंबर आए थे मैं इंदा इतने आते बहुत 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 इतने इंदा स्वागत करनी हाँ इन्होंने अपन डिमांड्स रखी साढ़े को इंदी डिमांड्स के बारे सोचेंगे जो कर जो बन सकेगा अं इन्हों करके देवे बाकी इन्होंने आज सू भी कहा कि सू वॉशरूम चाहिए लेडीज़ जेंट्स की बड़ी प्रॉब्लम होंगी है स्कूल है उत्थे एक खुले का ये ध्यान साढ़े ध्यान से हैगी है ये गल ऑलरेडी अपने हाउस के पहले पब्लिक टॉयलेट की गल कर चुके हैं जो बन सकेगा आई करके ना मीनाक्षी आई एम ए गवर्नमेंट टीचर मुझे इस जिम में आते हुए एक साल हो गया मैंने 13 केजी वेट रिड्यूस किया है मुझे 3 साल हो गए जिम ज्वाइन किए हुए मैंने 40 केजी वेट किया 4 महीने हो गए यहाँ पर आते हुए तो मैंने यहाँ पर 22 केजी वेट रिड्यूस किया हुआ है। मेरा नाम भावना है मैं सुजानपुर से हूँ 4 महीने पहले मैंने जिम ज्वाइन किया था मेरा 86 वेट था अब मेरा 20 केजी रिड्यूस हो गया है मेरी आप स्नैप देख सकते हो पहले की और अब की काफ़ी टाइम तो इस जिम से आ रहे हैं काफ़ी वधिया रिजल्ट मैं मेरे बॉडी से देखने को मिले है। वेलकम मल्होत्रा फिटनेस जिम जिम ज्वाइन करो सुबह का टाइम 5 तो लैके 10 बजे तक है और अपनी फिटनेस का ख्याल रखो और आके रिजल्ट देखो आके जिम के आके खुद ही तुम्हें रिजल्ट मिलेगा और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रोंग रखो।